अनुसार जब दैत्यों और देवों के संयुक्त प्रयास से अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ तो कुल 14 रत्न प्राप्त हुए। सर्वप्रथम हलाहल विष उत्पन्न हुआ जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नील कंठ कहलाए। दूसरे स्थान पर कामधेनु गाय प्राप्त हुई। समस्त ग्रंथों में गाय को विश्व की माता घोषित किया गया क्योंकि गाय मानव के लिए वैज्ञानिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक दृष्टि से लाभदायक है। स्कंद पुराण के अनुसार गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं और सभी वेदों का वास है। श्री कृष्ण भगवान की 3 माताएं थीं, एक जिसने जन्म दिया, दूसरी जिसने गोद दी, तीसरी जिसने दूध पिलाकर पालन पोषण किया, वो गाय माता थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल भी है। भगवान शिव का वाहन भी गाय वंशज ही है जिसे हम नंदी के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में जिसके पास जितनी अधिक गाय होती थी वो उतना ही वैभवशाली माना जाता था। विश्व भर में गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन छोड़ता है जो कि मानव जाति के लिए फायदेमंद है। कहते हैं गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। गाय के गोबर की खाद से जैविक खेती कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। गोबर का रस कई तरह की बीमारियों से निजात दिलाता है। वह गाय का मूत्र अगर मानव पिए तो दवाई का काम करता है। गाय का दूध सुपाच्य, पौष्टिक, सात्विक, निरोग एवं स्वादिष्ट होता है। ये एक श्रेष्ठतम आहार है। गाय
गाय का दूध बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए खास तौर पर लाभकारी है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य से प्रकाशित होकर कैरोटिन नामक रसायन छोड़ती है, जो कि दूध में मिलते ही दूध दूध नहीं अमृत बन जाता है। वैसे तो गाय का दूध, मूत्र, गोबर सभी गुणकारी हैं, लेकिन गाय के दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र से जो पंच गव्य बनता है वो आयुर्वेद में औषधि है और ये धार्मिक व मंगल कार्यों में अनिवार्य है। गाय वैसे तो हमारे लिए हर दृष्टि से लाभदायक है, लेकिन दुर्भाग्यवश गाय की दुर्दशा हो रही है। विश्व माता कही जाने वाली गौ माता की तस्करी कर बड़ी बेरहमी से गाय की हत्या की जा रही है। सरकार ने संकल्प लिया है कि कोई भी आवारा गाय पूरे प्रदेश के अंदर निसहाय अवस्था में नहीं मिलेगी। पूरे प्रदेश में गौशालाओं का जाल बिछाया गया है। आज वर्तमान में पूरे प्रदेश में 437 गौशालाएं हैं। सड़कों पर कागज खाने को मजबूर, बेसहारा, बेजुबान गौ माता की रक्षा करना हर भारतीय का परम कर्तव्य है। हरियाणा राज्य में गाय की देखरेख तथा कल्याण के लिए स्थापित संस्थाओं के नियंत्रण के लिए तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए प्रावधान करने हेतु गौ सेवा आयोग स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा हरियाणा गौ सेवा अधिनियम 2013 पास किया गया। इसी अधिनियम की धारा 3 व 4 की शक्तियों के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2013 को हरियाणा गौ सेवा आयोग स्थापित किया गया, जिसमें 9 सरकारी व अध्यक्ष सहित 12 मनोनीत सदस्य नियुक्त करने के लिए प्रावधान किया गया। 2015 में हरियाणा की नव निर्वाचित सरकार ने अपने विधानसभा में पहला प्रस्ताव गौ संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम 2015 पारित कर देश का सबसे पहला गौ हत्या व गौ तस्करी रोकने का सख्त कानून बनाया, जिसके अंतर्गत गौ हत्या व गौ तस्करी में प्रयोग होने वाले वाहनों को जब्त करने तथा गौ हत्या व गौ तस्करी करने वालों को 10 वर्ष की सजा व 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया। हमने जहाँ सबसे सख्त कानून बनाया है वहाँ गौ संवर्धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हरियाणा में कोई भी किसान अगर 5 गाय तक देसी गाय खरीदना चाहता है, जो हरियाणा की नस्लें हैं या हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब की साहिवाल नस्ल है, तो उसको 50% सब्सिडी हम देते हैं। हमने गाय के दूध पर 4 करोड़ का इनाम प्रति वर्ष देना प्रारंभ किया है। जो 6 से 8 किलो दूध देती है उनको 10,000 रुपये, जो 8 से 10 देती है उनको 17,000 रुपये और 10 से 12 किलो दूध देती है उनको 20,000 रुपये का इनाम देती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में गौ मांस खाना, ले जाना, रखने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा करते पाए जाने पर 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा व 70,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
और इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए 19 नवंबर 2015 को हरियाणा गौ सेवा आयोग का पुनर्गठन किया गया, जिसमें गौ भगत श्री भानी राम मंगला को यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार सौंपा गया। मुझे हरियाणा गौ सेवा आयोग की जिम्मेवारी 19 नवंबर 2015 को मिली। उसके बाद मैंने पूरे हरियाणा में पहले अध्ययन किया, हमारी क्या क्या परेशानी है, कैसे हम गौशालाओं को स्वावलंबी बना सकते हैं, कैसे हम गौओं की हत्या को रोक सकते हैं। अब हमारे प्रदेश ने एक ऐसा देश में सबसे पहला राज्य है जिसने इतना सख्त कानून बनाया। हमारे प्रदेश में 10 साल की सजा का प्रावधान है कोई गौहत्या करेगा, और अब प्रदेश में गौमांस खाना, गौमांस रखना, गौमांस ले जाने और पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर ऐसा करता होगा कोई पाया गया उस पर 5 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, 70,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। इसलिए अब गौहत्या गौ तस्करी हरियाणा में लगभग बंद हो चुकी है, और आगे भी अब जो हम बेसहारा जो गोवंश घूम रहा है उसके लिए भी अनेक स्कीमें गौ सेवा आयोग ने सरकार ने मिलकर के बनाई है। हरियाणा सरकार ने काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का गठन कर भारती अरोड़ा आईपीएस को ये जिम्मेवारी सौंपी गई। हरियाणा की 437 गौशालाओं में 2,92,000 गौ वंश का पालन पोषण हो रहा है। इन गौशालाओं में ज्यादातर गौवंश दुर्बल, घायल, घुमंतु तथा अलाभकारी हैं। हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान राज्य के लगभग सभी गौशालाओं में 8 नवंबर 2016 को गोपाष्टमी मनाने हेतु प्रत्येक गौशाला को 11,000 रुपए की पारितोषिक राशि प्रदान की गई।
हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा पूरे प्रांत की लगभग 300 गौशालाओं को एनुअल ग्रांट के रूप में 4 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया गया है इस वर्ष। और हरियाणा गौ सेवा आयोग निरंतर प्रयासरत है कि अपनी देसी नस्ल की गायें हरियाणा साहिवाल थारपारकर इनका संरक्षण हो और इस नस्ल का विकास हो। हरियाणा गौ सेवा आयोग ने अपनी एक वेबसाइट भी शुरू की है जिसमें कोई भी गौ सेवा आयोग की विस्तृत जानकारी ले सकता है। गाय पूरे विश्व की माता इसलिए कहा गया है कि जब मनुष्य पैदा होता है तभी से गाय की शिक्षा प्रारंभ होती है, गाय से हमारा लगाव प्रारंभ होता है। बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता तो गाय के दूध से उसका पालन पोषण होता है। हमारे भारतवर्ष को विश्व गुरु इसलिए कहा जाता था कि यहाँ गाय के सानिध्य को पा करके यहाँ के लोग बड़े बड़े यहाँ से वैज्ञानिक निकले हैं। भारतीय संस्कृति पली है, बड़ी है और तब तक ये विश्व गुरु ना था। उसके बाद गाय का ह्रास हुआ तो हमारे देश की ये दुर्दशा होती चली गई। इसलिए गाय बचेगी देश बचेगा, गाय कटेगी देश कटेगा, ये हमारी संस्कृति है। हरियाणा सरकार व गौ सेवा आयोग पूरे राज्य को बेसहारा पशु मुक्त करने में प्रयासरत है। इस लक्ष्य को भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। ले संकल्प निकल पड़ो रे, संकल्प निकल पड़ो, अब तुम्हें ये अलख जगानी है। हे भारत के सच्चे सपूत, गौ माता बचानी है। हे भारत के सच्चे सपूत, गौ माता बचानी है। गौ है अपनी माता, गौ है भाग्य विधाता, गौ है अपनी माता, गौ है भाग्य विधाता। खंजर से हुई लवो लुहान, गौ माता पुकारे। आ जाओ अब लाल मेरे, तुम ही मेरे सहारे। से हुई लहु लोहान, गौ माता आ जाओ अब लाल मेरे, तुम ही मेरे सहारे। कृष्ण के से पावन धरा पे, कृष्ण के से पावन धरा पे, जो हत्या नहीं करानी है। हे भारत के सच्चे सपूत, गौ माता बचानी है। हे भारत के सच्चे सपूत, गौ माता बचानी है। गौ है अपनी माता, गौ है भाग्य विधाता, गौ है अपनी माता।